अभी चौथा सूत्र, आज का आखिरी सूत्र। भागवत जी कहते हैं कि सुबह का जीवन आपका जब शुरू होता है तो दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए, दांत धोए बिना पानी पीना, मुंह धोए बिना पानी पीना, कुल्ला किए बिना पानी पीना। कारण उसका यह है कि रात भर जब आप सो रहे थे तो शरीर की सारी क्रियाएं तो शिथिल हो जाती हैं, लेकिन ये लार बनने की क्रिया ज्यादा शिथिल नहीं होती, ये चालू रहती है। तो रात भर आपने लार बनाई है, मुंह में जगह जगह जमा है, वो अंदर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बेशकीमती है। तो सुबह सुबह जो लार बन रही है ये अंदर जानी ही चाहिए, इसलिए बिना कुल्ला किए पानी पीने का नियम है, इसी को उषापान कहा जाता है। तो सुबह उठते ही पानी पिए। कितना पिए जी? बुजुर्गों के लिए 2 गिलास, बच्चों के लिए और 3 गिलास आपके उम्र के लोगों के लिए, कम से कम इतना पानी पिए। भागवत जी ने ये जो कहा ना सुबह की लार बहुत कीमती होती है, मैंने इस पर थोड़े कुछ एक्सपेरिमेंट किए पिछले एक आध साल। बहुत सारे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है, और डायबिटीज की कंडीशन में आप जानते हैं कि कोई घाव हो जाए, घाव तो जल्दी भरता नहीं। मैंने उनको दवाएं बंद किया होम्योपैथी का। फिर मैंने कहा भैया भागवत जी ने कहा कि सुबह की लार बहुत कीमती है, तुम ऐसा करो सुबह उठते ही जो लार है ना उसको लगाओ तुम्हारे घाव पे, और आप देखेंगे चमत्कार। 15 से 20 दिन में घाव भरना शुरू, 3 महीने में बिल्कुल बराबर। एक तो मेरे पास गैंग्रीन का पेशेंट है, गैंग्रीन हुआ, डॉक्टर कहता था पैर काटना ही पड़ेगा इसका, उसने बेचारे ने साल भर लार लगा लगा के ही अपना ठीक कर लिया। तब मेरे समझ में आया कि जानवर हमसे ज्यादा होशियार, चोट लगते ही वो चाटना शुरू कर देते। फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आंखों पर, तो मैंने उनको भी सिखा दिया, देखो सवेरे सवेरे सोकर उठो और मुंह का थूक आंख में लगाओ काजल की तरह से। अब आपको हैरानी होगी कि चश्मे उतर गए सिर्फ ये लार लगाने से। बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे, आपको थोड़ा देर में उतरेंगे लेकिन उतर जाएंगे। और एक बताता हूं, एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, आंखों की बीमारी है, अक्सर उसमें आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में बहुत जलन होती है, जैसे खून उतर आया हो आंखों में, वो कंडीशन हो जाती है। सुबह सुबह उठते ही मुंह की लार लगाना, 24 घंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी कहां गई। अगर बच्चों में बचपन से आंखों के ऐसे कोई रोग हैं, जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है 8 साल का है, उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, उसकी आंखें टेढ़ी हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भेंगापन। अब उसके माता पिता गरीब हैं और वो ऑपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते। उस बच्चे पर मैं यही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, लगभग मुझे 4 साढ़े 4 महीना हो गया है, उसका भेंगापन लगातार कम हो रहा है और आंखों की पुतलियां बिल्कुल बीच में सेट हो रही। तब मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को पूछा दिल्ली में कि ये लार में क्या है। तो उन्होंने कहा भैया जितने एक्टिव इंग्रेडिएंट मिट्टी में है वो सब लार में है। और 2-4 बातें बता दूं क्या क्या रोग और ठीक कर सकते हैं। आपके शरीर में कोई दाग हो गया, धब्बा हो गया, जैसे जल गए, उस पर नियमित रूप से सवेरे की लार की थोड़ी थोड़ी मालिश करते रहिए, 6-8 महीने में धग्गा धब्बा बिल्कुल साफ हो जाए। एक्जिमा हो गया, मान लो खराब बीमारी की बात करूं, एक्जिमा हो गया, और एक्जिमा से भी ज्यादा खराब बीमारी है सोराइसिस। बस इतना है कि साल भर करना पड़े इसी लार से, 6-8 महीने के बाद देखिएगा साफ। मुफ्त का इलाज है, फोकट का इलाज। फोड़े फिंसियों पर इसका एक्सपेरिमेंट करिए, मैंने ये 4 एक्सपेरिमेंट किए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ठीक है,